has diluted the law preventing atrocities against backward classes. Dalit boys were brutally thrashed and paraded. We remain dominant when it comes to UP Dalit. इज्जत करना और अपमानित करना इस निजामपुर में जीने का एक ढंग बन गया है। अपने देश की लगभग 20-25% आबादी ऐसी कम्युनिटी बीजेपी के आखिर खिलाफ क्यों हुई? जब 2014 के इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी शेड्यूल कास्ट ने फुल सपोर्ट किया था, उसमें दलित से लोअर कास्ट के बहुत सारे लोग थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा अचानक क्या हुआ जो इस बीजेपी पार्टी के वो अगेंस्ट वर्क करने लगे? आखिर कई सारे लीडर्स हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं किसी भी सरकार से क्या पार्टी से, इसको एक रियल न्यूज एनालिसिस की तरह देखते हैं। इसमें इस वीडियो को बनाने से पहले हमने काफ़ी सर्च किया है, डिटेल एनालिसिस, जिसमें कुछ उभरते हुए दलित लीडर की आवाज़ों को भी कई बार सुना गया है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो बहुत सारे दलित लीडर्स का ऐसा मानना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पार्टी में आने की सत्ता में आने की बात किया करते थे तो वो निचले जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के ऑपरेशन किया गया है, जिनको दबाया गया है, उनके बारे में बोला करते थे और उनको एक तरह से हक सोसाइटी के अंदर दिलाने की मांग किया करते थे। बीजेपी ने कई सारी उन लोगों से प्रोमिसज की थी उनको फुलफिल करने की, लेकिन जब 2014 में इनकी गवर्नमेंट बनी तो उनको ऐसा लगा कि कई सारे काम उनके अगेंस्ट में किए गए हैं। जैसे 2008 में छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो शेड्यूल एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता था वो 16% था वहाँ की नौकरियों के अंदर, लेकिन जब उनकी उन्हीं की सरकार ने उस 16% से घटा करके 12% रिजर्वेशन कर दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुख हुआ। इन्हीं बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जो 1989 का एक एक्ट था, एससी एसटी प्रिवेंशन टू एट्रोसिटीज एक एक्ट हुआ करता था, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। आखिर ये बिल क्या था? इस बिल के अंदर कई सारे सेक्शंस थे जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत उनसे भी हट करके जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है, जैसे उनके अनटचेबिलिटी वाले कई सारे ऐसी प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद थी जो दलितों को परेशान करती थी, उनको इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था और इसके तहत किसी भी पर्सन, ये नॉन दलित पर लागू होता था, जिसके किसी भी हमने दलित को गाली दी है या कोई भी ऐसा शब्द बोला है जैसे उसको लगा है तो वो थाने में रिपोर्ट कर देता था। सिंपली FIR कराने पर उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर के 5 साल की सज़ा हो सकती थी। आखिर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसके अंदर कर दिया अमेंडमेंट। उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट कोई भी दलित आदमी है, शेड्यूल कास्ट का पीपल है, डायरेक्ट वहाँ जाएगा पुलिस थाने में और उसकी इंक्वायरी किए बिना सामने वाले दूसरे व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं जब तक उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती और उसको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर अमेंडमेंट करके ये कर दिया, जब तक पुलिस थाने के अंदर जो पुलिस का हेड इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो जब तक जांच नहीं कर सकता उस आदमी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती और उसको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाएगी। इसके खिलाफ ऑल ओवर इंडिया में दलित लोगों ने और लोअर कास्ट के लोगों ने काफ़ी विरोध किया इसका और कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, इवन इसके अंदर कई सारे लोगों की जानें भी गई। जभी से ये लोग दलित कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, बीजेपी के खिलाफ काम करने लगे। उनका मानना ये है, मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था जो दलित के उभरते हुए राइजिंग लीडर हैं, उनका नाम है आज़ाद चंद्रशेखर रावण। उनके इंटरव्यू के अंदर वो बता रहे थे कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी को जो अपर कास्ट के लोग हैं वो डोमिनेट करते हैं। इनके अंदर लीडर तो एक जैसे लीडर को तो लोअर कास्ट से उठा लिया जाता है, लेकिन वो एक तरह से पपिट की तरह काम करता है और पूरी पार्टी की स्ट्रेटेजी के तहत उनको काम करना पड़ता है। इसलिए कोई भी पार्टी मूवमेंट को, कोई भी पार्टी हो, जब तक उसको एक नीचे जात वाले लोग डोमिनेट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट लोअर कास्ट के लोग पॉलिटिक्स में ऊंचे
पदों पर जब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हमारे देश के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकता। उन्होंने पत्रकार ने जब पूछा कि रामनाथ कोविंद को बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है एनडीए उसके डोमिनेंट होती है तो उन्होंने उसको उनको राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कई सारे अपने देश के अंदर ऐसे केसेस भी हुए थे जिनके अंदर रामनाथ कोविंद बिल्कुल चुप रहे, जिसमें दलितों को यातना देना हो गया हो और कई सारे ऐसे केसेस भी आए थे हाथरस की जो लोअर कास्ट की लड़की थी उसका गैंगरेप हुआ हो उसमें उनकी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। और एक बार रामनाथ कोविंद जी अजमेर के पुष्कर मंदिर के अंदर भी उनको एंट्री नहीं दी गई थी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी। तो वो इसी कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम पर सवाल करते हैं और वो इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं। और उनको जब भी रिपीटली कई सारे लीडर्स को ये पूछा जाता है कि बीजेपी की कई सारी ऐसी स्ट्रेटेजी हैं जो उनके लिए काम कर रही हैं, जैसे रिसेंटली बीजेपी ने घर घर जोड़ो जो एससी मोर्चा है बीजेपी का उन्होंने लॉन्च किया है। उनका मानना है इसके अंदर 11 मेंबर्स की टीम नेशनल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर तीनों लेवल पर 11-11 मेंबर की टीम नॉमिनेट की जाएंगी जिसके अंदर जो लोग होंगे वो एक्सपर्ट होंगे और ये सर्च करेंगे कि एससी के अंदर गवर्नमेंट की योजनाएँ शेड्यूल कास्ट तक पहुँच पा रही हैं कितनी उनको लिए बेनिफिशरी रही हैं, इस चीज़ को उनको बताने में वो लोगों को जागरूक करेंगे। तो इसी के अंदर उनको इसके बारे में भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीजेपी एक तरह से अपर कास्ट डोमिनेटेड कास्ट है और इन्होंने ईडब्ल्यूएस का सिस्टम लगा करके अपने लिए ये रिजर्वेशन चाहते हैं, लेकिन हमारे रिजर्वेशन को बार बार ये खतरा बीजेपी से बहुत ज़्यादा है। इसलिए उनका मानना है कि अभी भी एससी जो लोअर कास्ट के लोग हैं अभी भी इतने केसेस आते हैं, लोगों को इतना जागरूक नहीं हुए हैं कि समाज में सभी एक समान एक दृष्टि से रह चुके। रिसेंट सिचुएशन से ये पता तो चल जाता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले एससी कम्युनिटी उनको वोट नहीं करने वाली है। आखिर ये फिर एससी कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं वो किसको वोट करेंगे? उनका मानना है कि वो न तो कांग्रेस को वोट करेंगे न बीजेपी को, वो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टियाँ बनाएंगे और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। जैसे कांशीराम जी का ही एक सपना बताते हैं लोग, उनका मानना था कि जब तक एक आदिवासी लीडर मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं बनाएगा, कई सारी स्टेट में जिनकी ट्रैवल्स की जनसंख्या ज़्यादा है उनके अंदर ट्रैवल्स पॉपुलेटेड मिनिस्टर नहीं बनेंगे जब तक गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट यानी किसी भी पार्टी से कंट्रोल हुआ नहीं बन सकता है। जैसे रामनाथ कोविंद जी की तरह द्रौपदी मुर्मू की तरह इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो खुद की पार्टी है, जैसे BSP पार्टी हो गई, उन लोगों की कई सारी ऐसी पार्टियाँ हैं, चंद्रशेखर रावण की एक पार्टी है, उनकी पार्टियों को जब तक गवर्नमेंट में नहीं पहुँचेंगी वो जब तक उनका विकास होना संभव नहीं है। इन सिचुएशन में वो लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से स्टालिन मॉडल ने जिस प्रकार से स्टालिन ने रसिया के अंदर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनका ये भी मानना है कि जो अभी भी इंडिया के अंदर लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे लोअर कास्ट के लोग तो वर्क करने जाते हैं लेकिन अपर कास्ट में डोमिनेटेड है, वर्कर्स की तरह वहाँ पे काम करते हैं लेकिन उनके जो मालिक हैं भूमियों के वो जो लैंड है उनके मालिक हैं ओनर्स हैं वो अभी भी अपर कास्ट से आते हैं और उनके पास अभी भी जमीन करने का अधिकार अभी तक नहीं आ पाया है। आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी उनके साथ इतनी अनटचेबिलिटी केसेस इतनी इंडिया के अंदर आते हैं, इवन राजस्थान के अंदर भी कई सारे केसेस उभर के आए हैं। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी ऐसे केसेस बनते हैं तो हम इसलिए कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करते, हम उस लीडर को सपोर्ट करेंगे जो हमारे हक की बात करेगा, हमारे राइट्स के बारे में बात करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं एससी कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं कृपया कमेंट करके बताइएगा, लेकिन प्लीज़ एक आपसे निवेदन है, गाली किसी को मत दीजिएगा रिजर्वेशन को लेकर के। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर इतने सारे इश्यूज़ बने होते हैं, एक दूसरे की हम कम्युनिटी को टारगेट करने लग जाते हैं, आप तर्क दीजिए, हम भी कमेंट पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।